भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर जो अफीम भारतीय जनमानस के दिलों और दिमाग पर चढ़ाई थी, अब इसका असर कम होने लगा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के परिणाम इसका उदाहरण है। ये कहना है काशीपुर में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी का। उन्होंने कहा, वे अब तेजी से हालात बदल रहे हैं, भाजपा को बहुत जल्दी जनता पूरी तरह नकार देगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने काशीपुर में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम से कांग्रेसियों का मनोबल नहीं टूटेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर जो अफीम भारतीय जनमानस के दिल में दिमाग में चढ़ाई है, अब इसका असर कम होने लगा है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के परिणाम इसका उदाहरण है। वहीं अपने चुनाव में मिली हार को जनता का आदेश मानते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनादेश का सम्मान करती है, कोई निराश नहीं है और ज़्यादा मेहनत से जनता की सेवा में जुटेंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद शुक्रवार को प्रकाश जोशी काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए आए थे। मैंने कहा ना कि ये जनता का विवेक होता है, जनता का निर्णय। क्या यहाँ मोदी जादू चला आपकी नज़र में, किस तरह से? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि मोदी जादू ही चला होगा। जनता जब निर्णय लेती है, देखिए ये बात तो सच्चाई है कि पिछले 8-10 साल से जब से मोदी जी शासन में आए या उससे पहले जब वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में, तब से भी आप देखेंगे तो धीरे 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 देश की जो स्थिति बनी है आज, देश का जो एक सांप्रदायिक सौहार्द वाला जो माहौल होता है वो बिगड़ चुका है। ये बिगाड़ चुके हैं पूरी तरह से। कहीं ना कहीं झूठे वीडियोस बना के सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, है ना, आप सब साथी में, आप सबको, आप सभी को लोगों को जानता हूँ, पर कुछ ऐसे भी मीडिया के साथी में, आप पर बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे मीडिया है जिन पर अब बड़े पूंजीपतियों का कब्जा हो चुका है। आप तो स्वतंत्र है, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पर नहीं माने की कुछ पूंजीपति होंगे। अब उनके भी अगर आप देखेंगे डिबेट्स वगैरह आप देखते हैं दिन भर, मैं ज़्यादातर आम जनता से जब बात करता हूँ लोग बोलते हैं आप हम टीवी चैनल आपका ये सब देखेंगे, लोग पसंद करते हैं, घंटों बैठ के देखेंगे, लेकिन टीवी चैनल खोलकर जो उस तरह के चैनल हैं अब वो डिबेट भी कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन ये माहौल इस तरह बना दिया गया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को ऐसा लगा होगा कि ठीक है, ये जो कह रहे हैं, मतलब जो माहौल बनाया गया था उससे जनता भ्रमित हो सकती है ना भाई। 2014 में मोदी जी झूठे सपने लेके आए और लोगों ने उस सपने को देखा, माना कि विश्वास किया कि ये आदमी सच में कर जो बोल रहा है करेगा, 2 करोड़ नौकरियां देगा, लोग 15 लाख रुपए खाते में, देश की कैसी हमारी मासूम जनता है, बोली वाली जनता है कि खाते में 15 लाख आ जाएंगे, मान लिया और मानकर वोट भी दे दिया। इस देश की जनता ने नोटबंदी को भी स्वीकारा और उसके बावजूद 19 में फिर सरकार लेके आए। आप जानते हैं कि नोटबंदी के समय क्या स्थिति हुई थी, हजारों लोग घर का ये कुछ दिए थे, घर में लोगों को खाना पीना नहीं मिला, लाइनों में किलोमीटरों की लाइन लगी रही, लोगों के घरों में शादियां थी, बड़े काम थे, सब काम अटक गए लोगों के, मरे लोग, कई लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 19 में वो फिर से भरम ला के आए। तो कहीं ना कहीं लोग भ्रम में रहते हैं और ये भ्रम जल्दी टूटेगा। विधानसभा में आप देख रहे हैं दखल न्यूज।